नमस्कार, स्पोकन इंग्लिश मिथेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको शॉर्ट स्टोरी और शॉर्ट स्टोरी में द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स अर्थात सफ़ेद सुंदर घोड़े की गर्मी जो लेशन है, जो शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कथा है, लघु कहानी है, छोटी सी कहानी है, उसके कैरेक्टर को हम लोग समझेंगे। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं विलियम शरायन द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के राइटर हैं, लेखक हैं। और ये विलियम शरायन अमेरिकन आर्मेनियन नॉवलिस्ट हैं विलियम शरायन, जिन्होंने लिखा द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स अर्थात सफ़ेद सुंदर घोड़े की गर्मी। और ये कहानी जो है चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस पर आधारित है, बचपन के अनुभवों पर आधारित है, अर्थात बेस्ड ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। और ली गई है ये कहानी माई नेम इज़ आरम से कहानी ली गई है, अर्थात द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी बुक माई नेम इज़ आरम। एक जो छोटी एक किताब है उस कहानी की छोटी सी बुक से, किताब से ली गई है। तो इसमें बहुत सारे करेक्टर्स हैं, उन करेक्टर को एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। पहले तो करेक्टर्स में पहला करेक्टर है आरम का। आरम इसमें एक अहम रोल निभाता है। और दूसरा है मौराद का, और जौरब, जॉन बायरो, अंकल खुशरो, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, ये करेक्टर हैं इसमें। अर्थात एक करेक्टर हॉर्स का भी है, अर्थात एक सुंदर सफ़ेद घोड़े की भी का भी यहाँ वर्णन हुआ है। तो आरम, मौरद, जौरब, जॉन बायरो, अंकल खुशरो, ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स का जिक्र इसमें हुआ है। तो सारे करेक्टर्स को हम एक एक करके शॉर्ट में जान लेते हैं, फिर आगे कहानी में बढ़ते हैं। आरम, ही वॉज स्टोरी टेलर। आरम वॉज अ नाइन ईयर्स ओल्ड बॉय। He was a member of Garo Ghalanians tribe. He lived in California. His family was very poor and honest. He had fond of riding horse. He loved horses. But his family was too poor to afford a horse. He was the narrator of the story, The Summer of the Beautiful White Horse. अर्थात जो कहानी है एक सफ़ेद सुंदर घोड़े की गर्मी की, उसको बताता कौन है? आरम बताता है। तो विलियम शरायन महोदय हैं इसके लेखक, लेकिन जो कहानी इसमें गढ़ी जाती है, बताई जाती है, वो आरम के द्वारा बताई जाती है। तो आरम ही जो है कहानीकार है, कहानी कहता है, स्टोरी टेलर है। और वो एक 9 वर्ष का लड़का है, उसकी उम्र जो है वो 9 वर्ष की है। और वो गारो ग्लानियंस जनजात का एक सदस्य था और कैलिफोर्निया में रहा करता था।
कैलिफोर्निया का निवासी था और गारो ग्लानियंस ट्राइब जनजाति का सदस्य था और 9 वर्ष उसकी उम्र थी। और गारो ग्लानियंस ट्राइब की जो विशेषता थी वो थी ऑनेस्टी, पॉवर्टी, गरीबी और ईमानदारी उस परिवार में कूट कूट के भरी हुई थी। अर्थात अगर हम कहें तो जो फैमिली थी आरम की वो जानी जाती थी गरीबी के लिए और ईमानदारी के लिए। गरीब थे लेकिन ईमानदारी उसमें बहुत ज़्यादा थी उस परिवार में। लेकिन जो आरम था उसको घुड़सवारी का बहुत ही शौक़ था और घोड़ों से उसे बहुत प्यार था। उसका परिवार इतना गरीब था एक घोड़ा ऑफर नहीं कर सकता था, खरीद नहीं सकता था, एक घोड़े की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। और उसी परिवार का एक सदस्य आरम जो इस कहानी को बताता है। तो आरम ही वॉज अ स्टोरी टेलर, आरम वॉज अ 9 years old boy, ही वॉज अ मेंबर ऑफ गारो ग्लानियंस ट्राइब, ही लिव्ड इन कैलिफोर्निया इन अ वैली, हिज फैमिली वॉज वेरी पुअर एंड वेरी ऑनेस्ट, ही हैड फॉन्ड ऑफ राइडिंग हॉर्स, ही लव्ड हॉर्सेस बट हिज फैमिली वॉज टू पुअर टू अफोर्ड अ हॉर्स, ही वॉज द नरेटर ऑफ द स्टोरी। और नेक्स्ट करेक्टर जो है वो है मौरद का। मौरद आरम का चचेरा भाई और उसकी उम्र 13 वर्ष की। तो मौरद वाज 13 years old boy, बाई नेचर ही वॉज क्रेजी, अर्थात ही वॉज अ क्रेजी बॉय। ही वॉज अ कजन ऑफ आरम, Once he stole horse of John Byrow. It was beautiful and white horse. At last he returned back horse to his owner John Byrow. मौरत जो आरम का चचेरा भाई था उसकी उम्र 13 वर्ष की थी और वो क्रेजी स्वभाव का था। चचेरा भाई आरम का था, आरम से बड़ा था और उसने एक बार जान बायरो नामक एक व्यक्ति थे उसका घोड़ा चुरा लिया और वो घोड़ा सुंदर और सफ़ेद था। अंत में उस घोड़े को मौरद ने लौटा दिया उसके असली मालिक को। और नेक्स्ट करेक्टर जो है वो है जोरब का। तो जोरब वाज अ मेम वाज अ मौरस फादर, ही वाज द फादर ऑफ मौरद, ही वाज अ प्रैक्टिकल मैन। जोरब वाज अ प्रैक्टिकल मैन, ही वाज फादर ऑफ मौरद। मौरद के पिता थे और बड़े ही प्रैक्टिकल व्यक्ति थे। और अगला जो करेक्टर आता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो है अंकल खुसरो का। अंकल खुसरो जो थे बड़े ही मनमौजी स्वभाव के थे और उनका एक तकिया कलाम भी था जिसके लिए वो जाने जाते थे। तो अंकल खुसरो ही वाज अंकल ऑफ आरम एंड मौरद, आरम और मौरद के चाचा थे। ही वाज एन इनार्मस मैन मीन्स ही वॉज अ बिग मैन, बड़ी लंबी चौड़ी काठी उनकी, मोटी काठी, लंबे चौड़े कद के थे वो। ही वॉज एन एंग्री मैन बाई नेचर, स्वभाव से बड़े ही क्रोधी थे, स्वभाव के बड़े ही क्रोधी थे वो। बाई नेचर ही वॉज वेरी फ्यूरियस मैन, बहुत ही क्रोध किया करते थे, क्रोधी स्वभाव के थे, क्रोध उनके जहन में भरा हुआ था। बट ही वॉज अ काइंड हार्टेड मैन, ही वॉज वेरी सिंपल एंड जनरस मैन, काइंड हार्टेड, वास्ट हार्टेड मैन ही वॉज, बहुत ही विशाल हृदय वाले, बड़े उदार हृदय वाले। उनका हृदय जो था वो बहुत ही
नीट एंड क्लीन था, साफ सुथरा था, लेकिन मन के गंदे नहीं थे, थोड़ा क्रोधी स्वभाव के थे वो। उनका एक तकिया कलाम, इसमें कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो। तो स्टेटमेंट उनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो स्टेटमेंट पूछा जाता है कि उनका स्टेटमेंट क्या होता था, अर्थात कथन क्या होता था, तकिया कलाम क्या होता था। तो उनका तकिया कलाम था, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, कोई हानि नहीं, इस पर ध्यान ना दो, जो हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो, इसमें कोई हानि नहीं है, इस पर ध्यान ना दो, ये हमेशा ये बोला करते थे। तो वंस हिज सन केम एंड टोल्ड टू हिम, एक बार उसके उनका बेटा उनके पास आया और उनसे बोला कि दैट माय हाउस वाज ऑन फायर, कि अपने घर में आग लग गई है। उनका बेटा आया और बोला पिताजी घर में आग लग गई है। ही साइलेंस्ड हिम माने सन, अपने बेटे को चिल्ला कर चुप करा दिया, एनफ इट इज नो हार्म, एनफ इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, बहुत हो गया, इसमें कोई हान नहीं, इस पर ध्यान मत दो। तो ये तकिया कलाम उनका, इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, हर बात पे वो बोल दिया करते थे, उनकी जुबान पे ये स्टेटमेंट ये वाक्य रहता ही था। ही वॉज अ बिग मैन विद लार्ज मुस्टाक, विद लार्ज मुस्टाक, बड़ी बड़ी मूंछें और बड़े ही बहुत बड़े लंबे चौड़ी काठी वाले व्यक्ति वो थे, और मूंछें उनकी बड़ी बड़ी, और मूंछों पर ताव देते हुए ये कहा करते थे, इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। तो उनकी जो लार्ज मुश्ताक थी, मोछे थी, उसको ऐठा करते थे और ऐसा बोला करते थे, उनका एक तकिया कलाम था, और लंबी चौड़ी काठी पर उनकी मोछे जो है वो अच्छी भी लगती थी। अगला करेक्टर जो है वो जान बायरो का है। जान बायरो वाज अ सिंपल फार्मर, पुअर फार्मर, सिंपल फार्मर। ही वाज वेरी जनरस एंड काइंड मैन। He had a beautiful and white horse. He loved his horse very much, but once Maurad stole his horse silently. Then he became very sad, very unhappy and helpless. He was a friend of Garoghlanian's tribe family. At last, he got his horse. His horse that Maurad was stolen by. The behavior of horse changed, so he was very happy to get the horse, and he was the real owner of the horse. तो उनकी क्या विशेषता है कि एक बड़े ही सरल किसान, गरीब किसान, किसानी करने का उनका कार्य पेशा, उदार दिल के, उदार हृदय के, और उनके पास एक सुंदर घोड़ा और घोड़े से बहुत प्यार करते। एक बार मौरद ने उनके घोड़े को चुरा लिया, चुपके से चुरा लिया, वो जान नहीं पाए, और तब वो बड़े दुखी हो गए, बड़े असहाय हो गए, निराश हो गए, और वो परिवार के सदस्य थे, परिवार के मित्र थे, किसके, गारोग्लानियंस जनजात के, परिवार के वो मित्र हुआ करते थे, और उनके पास गए और बताया, तब अंकल खुसरो ने फिर वही डायलॉग मारा कि इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। जब उसने घोड़ा, घोड़े चुराने की बात बताई, किसी ने मेरा घोड़ा चुरा लिया, तो ये बात वो बोल गए जान अंकल खुसरो। और लास्ट में जब उनका घोड़ा मिल गया तो बहुत खुश थे, और घोड़े का जो व्यवहार था वो बदला हुआ था, ना तो लत्ती मारता था, ना तो वो जो है हिनहिनाता था, ना इधर उधर उछलता कूदता था, बड़े ही अच्छे स्वभाव का हो गया था। तो घोड़े में बहुत ही परिवर्तन
आ गया था और वही घोड़े के असली मालिक थे। तो ये रहा करेक्टर आपका, कौन कौन, आरम, मावरत, अंकल खुसरो, जान बायरो, जोराब और हार्स, वाइट हॉर्स, एक किसके रूप में, एक जानवर के रूप में जिसमें बदलाव आया है। तो कहानी मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सरल छोटी कहानी है जो समझ में बहुत जल्दी आ जाती है। तो सरल कहानी है, कहानी क्या है कि एक बार मौरद चचेरा भाई है, मौरद जो उसका चचेरा भाई था आरम का, तो आरम मौरद दोनों चचेरे भाई दोनों का को की बड़ी शौक घोड़े की सवारी करना, घोड़े की सवारी दोनों करना चाहते थे, लेकिन गरीबी के कारण घोड़ा न तो परिवार खरीद सकता था न खुद में खरीदने की उनकी हिम्मत थी, उनके पास था ही नहीं, बड़े गरीब थे, ईमानदार थे। तो क्या हुआ कि मौरद ने घोड़ा चुरा लिया, किसका घोड़ा चुराया, जान बायरो जो किसान थे उनका घोड़ा चुरा लिया, और चुरा करके घोड़े पर चढ़कर सवारी करते हुए आए सुबह सुबह किसके पास, आरम के पास, और आरम अपने घर में मौज मस्ती में सो रहा था। सुबह का समय लगभग चार बजा हुआ था, उसने आरम के जो घर की खिड़की थी उसको खटखटाया, मौरद सोया हुआ, और जब खिड़की पर आवाज़ सुनी उसने खिड़की खोली, और खिड़की खोल करके जब देखा तो मौरद घोड़े पर सवार होकर खड़ा हुआ था, आंखें मलता हुआ उसने देखा कि एक सुंदर घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा जिस पर मौरद सवार है, उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये घोड़ा मौरद का है, मौरद चुरा के लाया था, और आरम को विश्वास हो गया कि चुराया होगा निश्चित तौर पे, क्योंकि पैसे तो हैं नहीं। इतने में मौरद बोला कि आओ अगर अपनी मुराद पूरी करना चाहते हो तो चलो घुड़सवारी हम लोग करते हैं। तो दोनों बचपन की उम्र है और बचपन में सभी को शौक होता है घुड़सवारी करने के लिए, दोनों लोग निकल पड़ते हैं और बहुत मौज मस्ती करते रहते थे। और हुआ क्या कि एक दिन वो घोड़ा उछलता कूदता उनके पड़ोसी के दाख में चला गया, और जब दाख में चला गया तो वो लोग ढूंढने लगे, और कुछ दिन बाद घोड़ा जब मिला तो उसको खलिहान में छिपा दिया। अब इस तरह से उनकी रोज़ की दिनचर्या हुआ करती, घोड़ा लेते और घोड़े की सवारी करते घूमते, लेकिन परिवार वालों को थोड़ा सा भी पता नहीं चला। और अचानक एक दिन जो जानबायरों हैं वो आरम के घर जाते और उन्होंने आरम के घर जा कर के बताया कि मेरा जो घोड़ा है गुम हो गया है, खो गया है, पता नहीं किसने चुरा लिया। आरम ने ये बात सुनी और सुन करके बताया मौरद को कि आज जानबायरों मेरे घर आए हुए थे और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें मेरे घर में बोली कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया। अब क्या हुआ कि मौरद ने कहा कि घोड़ा लौटा देते हैं, लेकिन आरम ने कहा अभी तो मैं घोड़े की सवारी कर नहीं पाया, 6 महीने के अंदर घोड़े की सवारी करना सीख जाऊंगा तो घोड़ा लौटा देंगे। अब आरम जो है घोड़े की सवारी सीखता गया, और एक दिन क्या हुआ कि अचानक जान बायरो आरम और मौराद से मिले और घोड़ा उन्हीं के पास था, दोनों लोगों के पास था। तो जान बायरो ने कहा कि ऐसा ही मेरा घोड़ा था, ठीक इसी तरह से मेरा घोड़ा था, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ कि मेरा ही, क्योंकि जो परिवार उनका गारो ग्लानियंस का था वो बड़ा ही ईमानदार था, बड़ा गरीब था, वो चोरी कर ही नहीं सकते थे, ऐसा उसका विश्वास था। और उसने जब कहा कि मेरा घोड़ा भी ऐसे था, चले गए। अब जो है दोनों पर दया आई, दोनों लोगों को दया आई जान बायरो पर कि जान बायरो का घोड़ा लौटा देना चाहिए, और दोनों लोग घोड़े को जा करके लौटा दिया, उनके पास छोड़ दिया। और जब घोड़ा पा गए जान बायरो, घोड़ा पा करके बहुत खुश हुए, और एक दिन फिर जा करके आरम के घर बताए कि मेरा घोड़ा जो है मिल गया, बड़ा ही बदल गया घोड़ा,
अब घोड़ा जो है उसमें बड़ा बदलाव आया है, बहुत ही परिवर्तन आया है, वो बहुत मजबूत हो गया है, बड़ा ही उदार हृदय वाला हो गया है। वो ना तो हिनहिनाता है, ना उछलता है, ना कूदता है, ना काटता है। मेरे घोड़े में पता नहीं कैसे इतना परिवर्तन आ गया। अब परिवार वालों को थोड़ा सा भी नहीं संदेह हुआ कि ये घोड़ा मौरद ने चुराया हुआ था। और इतने में ही, इसी पर ही वो कहानी खत्म हो जाती है। आपके समझ में आ गया होगा कि क्या क्या घटनाएं घटी। फिलहाल अपने मित्रों में शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के। धन्यवाद, नमस्कार।